गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं ले रही हूँ पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यता। ये एक दूसरे से डिपेंड करते हैं। पोषण, भोजन से पोषण, पोषण से स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से स्वास्थ्यता। ठीक है, 12th लेसन है। उद्देश्य है जब लेसन हम पूरा कर लेंगे तो उसके बाद हमें क्या चीज़ किस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। इस अध्याय को पूरा करने के बाद आप विद्यार्थी, शिक्षार्थी निम्नलिखित बातें जानने योग्य हो जाएंगे। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बच्चों के पोषण संबंधी आवश्यकताओं का वर्णन कर पाएंगे। दूसरा है, बच्चों के लिए संतुलित भोजन की योजना बनाने के लिए सुझाव भी दे पाएंगे। तीसरा है, बच्चों को खान पान की आदतों की चर्चा कर पाएंगे। बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण संबंधी महत्वपूर्ण समस्याओं को पहचान सकेंगे। रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के बारे में बताने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, अब हम पाठ शुरू कर रहे हैं अपनी प्रस्तावना से। क्या आपको अध्याय 5 में भोजन व पोषण संबंधी की गई चर्चा याद है? आपने पिछले अध्याय में बच्चों की उत्तरजीविता, विकास, वृद्धि के बारे में जाना। आइए हम संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण बातों का पुनः चर्चा करें। हमारे आहार में हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। पोषण का अर्थ होता है शरीर में भोजन का कार्य करना। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम भोजन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, वृद्धि, पुनर्निर्माण, स्वास्थ्यता के लिए एक उपाचय पचन करते हैं। जब हम भोजन पोषण की बात करते हैं तो हमें खाद्य पदार्थों के संगठन के समझने या जानने की आवश्यकता होती है कि कौन सा खाद्य पदार्थ कौन कौन से पोषक तत्व प्रदान करता है। आइए अब हम बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता पर प्रकाश डालें। बच्चों में वृद्धि निरंतर होती रहती है, इसलिए उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएँ, उनकी वृद्धि दर, शरीर के वजन और उसके विकास की प्रत्येक अवस्था से प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किए गए पोषक तत्व पर निर्भर करती है। चूँकि बच्चों में शारीरिक व मानसिक विकास काफ़ी तेजी से होता है, इसीलिए इस अवस्था में पोषण की न्यूनता व परिणाम स्वरूप आजीवन क्षति अक्षमताएँ उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करता है कि बच्चे में पूर्ण क्षमताओं के साथ साथ वृद्धि कर रहा है। अतः हमें के भोजन के संतुलित रूप से ग्रहण करने की कला को सीखने की आवश्यकता होती है ताकि खाद्य समूह में से प्रत्येक भोज्य समूह का लुफ्त उठाया जा सके। सामान्यतः माना जाता है कि बच्चे का कद या वजन में न बढ़ोतरी न होने के कारण उसके पोषण संबंधी परिलक्षित होती है, किंतु यह प्रभावी ढंग से उसके पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने में बेहतर बनाता है। पर्याप्त पोषण निम्नलिखित में योगदान देता है, शरीर के अंगों का कार्य प्रणाली व संज्ञानात्मक निष्पादन, रोगों से लड़ने या स्वास्थ्य सुधार के लिए शरीर की क्षमताएं, ऊर्जा स्तर में वृद्धि, सुखद व सकारात्मक दृष्टिकोणों का विकास। अब हम बात करेंगे शिशुअवस्था। शिशुअवस्था कब से होता है? जन्म से लेकर 12 माह तक, मतलब एक वर्ष तक शिशु माना जाता है, के दौरान स्वास्थ्य का स्थिरता तेजी से वृद्धि करने के लिए शिशुअवस्था में प्रारंभिक शिशुअवस्था के दौरान जन्म से 6 माह तक के होने वाले परिवर्तन विशेष रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। वास्तव में यह विदित है कि शिशुओं को उनके प्रति किलो शरीर के वजन के लगभग दुगनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो कि भारी कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक कैलोरी की मात्रा के बराबर होती है। पर्याप्त पोषण के द्वारा यह आवश्यकता पूर्ति करना संभव है। ऊर्जा की अतिरिक्त बच्चों को निम्नलिखित अवश्य मिलने चाहिए। प्रोटीन हड्डियों व पेशियों के तीव्र वृद्धि के लिए, कैल्शियम हड्डियों के तीव्र व कैल्शियमीकरण के लिए, लोह तत्व रुधिर आयतन के विस्तार और वृद्धि के लिए। शिशुओं की आहार संबंधी आवश्यकताएं, अपनी जरूरतों के अनुसार अधिक दूध, कम दूध पीकर आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। उनकी पोषण संबंधी आवश्यकता माँ के दूध से संगठक उसके दिए जाने वाले अनुपूरक पोषण भोजन से पूरी हो जाती है। माँ के दूध के संगठन के आधार पर अनुशासित पोषक तत्व की गणना की गई है। सुपोषित माँ के 850 मिलीलीटर दूध में प्रथम 4 से 6 माह तक के लिए पोषक तत्व होना चाहिए। यदि माँ की अच्छी खुराक दी जाती है तो शिशु भी अच्छी तरह से बढ़ता है, फलता फूलता है। इसीलिए माँ को प्रोटीन, कैल्शियम व लोह तत्वयुक्त भोजन करना चाहिए। कुपोषण से बच्चे के लिए अब आपने ये देखा शिशुओं के पोषण संबंधी आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है। के लिए बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध, सूप, फलों का जूस जैसे तरल पदार्थों का देना चाहिए। अब देखिए पोषण तत्व है, ICMR द्वारा प्रस्तावित अनुशासित जो सारणी दी गई है वो इसकी बात कर लेते हैं हम। शिशुओं के पोषक तत्वों के अनुशासित दैनिक मात्राएँ ICMR द्वारा अनुशासित पोषक तत्व जन्म से 6 माह तक, 6 से 12 माह तक। ऊर्जा है कैलोरी,
प्रोटीन की मात्रा है, कैल्शियम है, विटामिन है, रेटिनॉल है, माइक्रोग्राम, ठीक है, अर्थात बीटा कैरोटीन है माइक्रोग्राम, थायमिन है माइक्रोग्राम, नियासिन है, राइबोफ्लाविक है, पाइरोक्सिन है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन सी, फॉलिक अम्ल है, विटामिन B12 की मात्रा है। अब जो पोषक तत्व है, ऊर्जा कितनी की आवश्यकता होती है, 108 ग्राम वजन चाहिए, ठीक है, और प्रोटीन की आवश्यकता है 2.05 वजन के लिए, कैल्शियम के लिए आवश्यकता है 500 चाहिए, रेटिनॉल के लिए 350 चाहिए, बीटा कैरोटीन के लिए 1200 चाहिए, थायमिन के लिए 1200 ग्राम शरीर के वजन के, और नियासिन चाहिए 710, फिर राइबोफ्लेविन चाहिए 65, पैराडॉक्सिन चाहिए 0.1, 25, ये सब, ठीक है। 6 से 12 माह तक के बच्चे के लिए वजन में वृद्धि के लिए 98 किलो वजन के लिए होना चाहिए, वजन इतने वजन के लिए ये पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। 500 ग्राम दूध कैल्शियम के लिए, 350 ग्राम रेटिनॉल के लिए चाहिए, 1200 बीटा कैरोटीन चाहिए, 650 चाहिए नियासिन के लिए, ये माइक्रो न्यूट्रिशन है, बहुत जल्दी आवश्यक है। अब हम बात करेंगे स्तनपान कराने वाली महिला के लिए। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए प्राकृतिक उपहार है, यह उन सभी पोषक तत्वों को युक्त होता है जो कि आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 6 माह तक विश्व के विशेष रूप से स्तनपान कराने वाली सिफारिश करता है। स्तनपान के दौरान शिशु को पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना चाहिए। प्रथम 2 से 3 दिन नवदुग्ध कोलेस्ट्रॉल नाम वाले पीले रंग का एक तरल पदार्थ उत्पन्न होता है। शिशु को इस अवश्य पिलाना चाहिए क्योंकि इस प्रतिरक्षी तत्व के भरपूर होता है, शिशु के संक्रमणों से बचा रहता है। स्तनपान के लाभ, यह शिशु के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण की दृष्टि से अनुकूल होता है। यह अपेक्षित अनुपात व रूपों, उदाहरणार्थ मौजूद वसा में घुलने के रूप में सभी पोषक तत्वों की भरपूर होता है। इसकी प्रोटीन की कम मात्रा गुर्दों पर दबाव से कम करती है। विटामिन सी नष्ट नहीं होता है। यह माँ और शिशु दोनों के लिए सरल, स्वच्छ, सुविधाजनक आहार तरीका होता है। दुग्धहार समय उचित समा तापमान पर उपलब्ध रहता है। इसमें प्रतिरक्षी तत्व मौजूद होने के कारण शिशुओं में जठरात्र संबंधी गैस्ट्रॉन एस्ट्रॉल सीने में तथा मूत्र संबंधी संक्रमण से बचता है। इसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। एलर्जन के से मुक्त होती है। यह माँ के स्तनों एवं अंडाशय में कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है। काफ़ी हड्डियाँ कमजोर होने लगती है। यह माँ तथा शिशु के मध्य स्वस्थ, सुखद भावनात्मक संबंध के लिए बहुत ही सहायक होता है। शिशु जानते हैं कि कब कितना दूध पीना चाहिए, इसलिए कहा जाता है शिशु को भूख ही उत्तम घड़ी है। फिर भी यह शिशु के 1 माह का है तो स्तनपान समय समय अंतराल में नियमित करने के लिए दिशा का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है, इसको आप 2-3 बार देखें, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।